मैम साहब, कौन है? ये काम वाली आई है, अंदर भेज दो उसे। जा। क्या नाम है तुम्हारा? जी सुनहरी। बेटा है? जी नहीं, बेटी है। क्या नाम रखा है? जी खुशी। अच्छा नाम है, पर काफी दुबली है। इसके खाने पीने का ध्यान तो रखती हो ना? जी हाँ, ख्याल तो रखती हूँ इसका, पर ये जन्म से ही कमजोर है। आंगनवाड़ी बहन जी कह रही थी कि इसकी उम्र के हिसाब से इसका वजन कम है, अब तो इसे ऊपरी खाना भी देना शुरू करना है मुझे। तो करो सुनहरी, बच्चों का ख्याल तो रखना चाहिए ना, और फिर ये तो तुम्हारी खुशी है। जी। खाना बनाना आता है? जी जी आता है मालकिन, पर खाने में मुझे खास तरह का खाना पसंद है। तेल घी बिल्कुल कम, मसाले कम और नमक कम। जी मैं बिल्कुल ऐसा ही खाना पका के खिलाऊंगी, अभी क्या पकाऊं? अभी तो तुम ऐसा करो, कमरे की सफाई कर दो और वहां मेरी साड़ी रखी है उसे इस्त्री कर दो। क्या हुआ? मुझे बच्चों के रोने की आवाज बिल्कुल पसंद नहीं। कल से मत लाना इसे। पर मालकिन ये तो अभी बहुत छोटी है, इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद माँ के दूध की जरूरत होती है, इसे मैं घर पे कैसे छोड़ के आऊं? ये तुम देखो, मुझे फिर से इसके रोने की आवाज नहीं सुननी। काम करना है तो कल से इसे घर पर छोड़ कर आना, समझ गई? नमस्ते मौसी। नमस्ते बिटिया, कैसी है? मौसी, गांव में एक औरत है जो सोनू को दूध पिलाने के लिए तैयार तो हो गई है, मगर जब तक वो अपने पति से पूछ नहीं लेती वो ये नहीं कह सकती कि वो दूध पिला पाएगी या नहीं। पर हाँ, उसने मना भी नहीं किया। तो किसकी बात कर रही है? कौन तैयार हो गया सोनू को दूध पिलाने के लिए? वो मौसी कांति है ना। लेकिन अरे वो बिटिया, जरा इधर आ, ले इसे लेके जरा बाहर जा और ये दूध पिला, ले संभाल के जा। कमला, अरे तू कभी तो ढंग की बात किया कर, तू जानती नहीं है कांति किस जगह से है? मैं जानती हूँ मौसी, वो विकास से वंचित वर्ग की है, पर मैं जानता हूँ अम्मा। तो क्या हुआ? त्री, तू लुगाई से तो हाथ धो बैठा है, अब सोनू को भी, और तू जी जमीन पे नाक रगड़वा के ही दम लेगी क्या? अरे तुझे तो अपनी मान मर्यादा का फिक्र है नहीं, पर हमें तो इज्जत से दो रोटी खा लेने दे ना। मैं तेरी ये बात नहीं मान सकती। पर मौसी, मैंने बिरादरी की और भी औरतों से पूछा, पर कोई मानने को तैयार ही नहीं हो रहा। क्यों बहन जी? कहते हैं कि इस घर पर श्राप है।
काली नजर है। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की मगर वो मान ही नहीं रहे। अरे नरक में जाए सबके सब, हैजा खा जाए सबको। अरे हमें नहीं पिलवाना सोनू को दूध किसी का, बस जैसा चल रहा है ठीक है वैसे ही चलेगा। दादी भैया बकरी का दूध नहीं पी रहा है, बार बार उगल रहा है। अरे अम्मा कुछ तो सोच, अपनी जिद से अपने को ही परेशानी है। अगर सोनू को माँ का दूध नहीं मिला तो अम्मा इस दफा अगर कुछ अनहोनी हो गई तो कह देता, किसी को माफ नहीं करूंगा मैं। करता है टेटुआ दबाकर यही मार दूं। किसको? तेरे बाप को। मेरे बाप? मत मारी गई थी मेरी जो मैंने तेरी बात सुन ली। क्यों भड़क रहे हो मंगल भैया? अगर मिताली जी ने कुछ कर भी दिया तो फायदा तो अपने ही होगा ना। एक बार और नाम लिया ना उस औरत का यही गाड़ दूंगा। जीजा की तो मत मारी गई है, एक दो कोड़ी की औरत को उठा कर ले आए, अब वो नचा रही है घर भर को। बड़े साहब को छोटी बातों के लिए क्यों तकलीफ देते हो? ये सब ठीक नहीं है। बढ़िया ही सबको ठीक करने वाली। ठीक तो तुझको अब मैं करूंगा। जरूरत नहीं पड़ेगी मंगल। वैसे तुम्हें खुद में कुछ ठीक करवाना है तो बताओ, हर तरह की मरम्मत का इंतजाम है मेरे पास। इमरान बेटा, मैं शबनम के घर गई थी। क्यों झगड़ता है तू उसे? अम्मी तुम तो उल्टे रोजे गिनने बैठ गई। मैं उसे नहीं झगड़ता बल्कि वो मुझसे झगड़ती है। अभी वो जो मन में आया कह के चली गई, किसी की सुनना तो उसे आता ही नहीं है ना। वो तो ये भी कह रही है कि वो मुझसे निकाह भी नहीं करना चाहती। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, वो बेचारी तो। हाँ भाई ढाबे वाले, चल जरा चाय पकड़ा, और हाँ चीनी जरा अच्छी डालियो। ओ, तुम यहाँ भी आ गए। मियाँ आंखें जरा नीची और ये छाती अंदर करके बात करो। दामाद है हम इस गांव के, तू तो जानता ही होगा, वो शबनम आंगनवाड़ी बहन जी लुगाई है मेरी। ओ, तो आसिफ हो तुम। देखो बेटा, अगर शबनम तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती तो क्यों परेशान कर रहे हो उसे? आपकी तारीफ? अम्मी है मेरी। ओहो, आदाब। जीते रहो। खाला, बात ये है कि परेशान मैं नहीं, परेशान तो वो मुझे कर रही है। अब आप ही देखो ना, अपना घर छोड़कर यहाँ पड़ी है अपने अब्बू के पास। अब खाला, मैंने तो सुना है कि उसकी नजर आपके लड़के पर है। मियाँ जरा बच के रहना, बहुत तेज औरत है ये आंगनवाड़ी बहन जी। ए आसिफ, जबान संभाल के बात कर। लो खाला, अभी चार मुलाकातें हुई नहीं और हालत देखो अपने साहबजादे की। वैसे हम दे आपको एक बात बता दें, हाथ हमारे भी हैं और जरा गौर से देख लो, चूड़ियां नहीं पहनी हैं। अरे रे बेटा, तुम लोग किस लड़ाई झगड़े में पड़ गए हो?
अम्मी इससे कहिए चला जाए यहां से। बात करने की तमीज नहीं है और शबनम के जूते की धूल के बराबर भी नहीं है तू। मियां जो भी हूं शौहर तो मैं ही हूं उसका। तो क्या इमरान तू अब भी? हाँ मैं तुझसे प्यार करता हूं। अब किसी के चलते अगर दूसरे का रहना दुश्वार हो जाए तो फिर उसका रहना मुनासिब नहीं। अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008 लोधी रोड HPO नई दिल्ली 110003।